दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा मसाला बनाना बताऊंगी जिसे आप आलू, बैंगन, भिंडी, अरबी, शिमला मिर्च, छोले, पनीर किसी भी सब्जी में डाल करके सब्जी के स्वाद को दुगना कर सकते हैं। इस मसाले से आप अचारी फ्लेवर की कोई भी सब्जी बना सकते हैं और इसे हम मिनटों में बना करके महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। तो ये मसाला मैं आपको बनाना बताऊं, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। मैं तोशी, राजस्थानी तड़का विद तोशी में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम ये स्पेशल मसाला। तो चलिए देखते हैं इस मसाले को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हम गैस पर एक छोटी कढ़ाई या एक पैन रख देंगे, उसके अंदर हम डालेंगे करीब 7-8 सूखी लाल मिर्च। इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा कप सौंफ, आधा कप धनिया, आधा कप जीरा, आधा कप राई और 1/4 कप दाना मेथी। दाना मेथी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो मसाला कड़वा हो जाएगा। मैंने ये सभी चीज़ें मेजरिंग कप से मेज़र की हैं, आप कोई भी एक कटोरी फिक्स कर लीजिए। इसके बाद हमें इसे बिल्कुल सिम फ्लेम पर भूनना है, जैसे हम जीरा भूनते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। इस पर हल्का सा ब्राउन कलर आ जाना चाहिए। तो ये देखिए सभी चीज़ें अच्छे से भून गई हैं और ब्राउन कलर कितना अच्छा आया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इन्हें ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकालेंगे। तो ये हमने इन्हें प्लेट में निकाल दिया और ठंडा होने देते हैं। जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा हम इसे डालेंगे एक ग्राइंडिंग जार में और इसे हमें पीसना है। तो ये मसाला हमने पीस लिया है और ये देखिए सब्जी बनाने के लिए हमारा मसाला तैयार है। इस मसाले से आप अचारी फ्लेवर की कोई भी सब्जी बनाइए, मैं पनीर टिक्का, अचारी पनीर या फिर आलू की सब्जी बनानी हो अचारी फ्लेवर की, सूखी आलू बैंगन की सब्जी जब हम बनाते हैं तो उसमें 2 चम्मच ऐड कर दीजिए, सब्जी का टेस्ट देखिए कितना गजब आएगा। तो इस मसाले से आप अपनी किसी भी सब्जी का जो टेस्ट है उसे बढ़ा सकते हैं। और सब्जी में जब आप इस मसाले को डालेंगे तो इतना बढ़िया कलर आएगा सब्जी पे, जैसे कि आपने देगी मिर्च डाली हो। इसी मसाले से मैंने अचारी पनीर बनाना बताया था और पनीर टिक्का की जो रेसिपी मैंने अपलोड की थी उसमें भी इस मसाले को यूज़ किया था। तो एक बार इस मसाले को ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।